Hello students, welcome to the online classes. My name is Shyam Sir from BPS school Navanagar. As I taught now in my last classes, now I am going to start new topic, that is pronoun. But before I start this topic, you should know what is noun. So my dear student, सबसे पहले आपको noun का concept clear करना होगा, जो कि मैंने पिछले topic में समझाया था. तो जब तक आपको नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको प्रोनाउन समझ में नहीं आएगा. इसीलिए नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है. नाउ लेट अस स्टार्ट द न्यू टॉपिक, दैट इज प्रोनाउन. प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. दैट मींस प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन इन अ सेंटेंसेस. फॉर एग्जांपल, आई, ही, सी, इट, हिज, हर, आवर, देयर, hers and yours, these all are the examples of pronoun. So here one example, यहाँ पे एक example है, आप देख लीजिएगा. Riya is riding a bicycle. Riya stopped at the garden to pluck some flower. So you look here, Riya. Riya also here noun. Riya यहाँ पे संज्ञा है. Here also Riya also noun. So हमें करना क्या है, हमें इस नाउन को नाउन के जगह पे प्रोनाउन यूज करना है. दैट मींस ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, इस नाउन के जगह पे मुझे प्रोनाउन यूज करना है. तो इस रिया के जगह पे हम लिखेंगे सी. तो आप देखिए, अब रिया इज राइडिंग ए बाइसाइकिल. सी स्टॉप एट द गार्डन टू प्लक सम फ्लावर्स. Now, some more examples to identify the pronoun. मुझे identify करना है कि यहां पर pronoun कौन कौन सा है. So, the first example is, I am feeling very hungry. मुझे बहुत जोरों का भूख लग रहा है. So, I am. Here, I is the example of pronoun. And the second sentence, second example, Riya and Rita are twins. Riya और Rita जुड़वा है. They study in the same classes. आप देखिए, यहाँ पे Riya और Rita के लिए यहाँ पे use किया गया है they. They is the example of pronoun. Come to the next example. Sunita was crying because she was lost in the fair. Sunita was crying. Sunita रो रही थी क्योंकि वो मेला में गुम हो गई थी, गायब हो गई थी. अब देखिए, सुनीता जो है यहाँ पे नाउन है, ठीक है, ये तो नाउन है, आप जानती है. लेकिन यहाँ पे देखिए, सी, अभी सुनीता के जगह पे आपने यहाँ पे यूज किया है सी. सी इज द एग्जांपल ऑफ प्रोनाउन. आई हैव लॉस्ट द न्यू मोबाइल फोन. मेरा नया मोबाइल फोन जो था वो गायब हो गया है. सो आई, ये आई ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन. राम इज ए गुड बॉय, ही ऑलवेज वर्क हार्ड. सो हियर राम जो है वो बहुत अच्छा लड़का है और ही ऑलवेज वर्क हार्ड, और हमेशा वो कड़ी मेहनत करता है. दैट मीन्स ही इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. द फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, थर्ड वन इज एम्पैथिक प्रोनाउन, फोर्थ वन इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, फिफ्थ वन इज रिलेटिव प्रोनाउन, सिक्स्थ वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सेवेंथ वन इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, द एट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एंड द लास्ट वन इज पोसेसिव प्रोनाउन. लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन. द फर्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन इज पर्सनल प्रोनाउन. ए पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर ए पर्सन और एन ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स पर्सनल प्रोनाउन यूज फॉर ए पर्सन और एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, ही, सी, इट एंड दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. सो हियर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन्स आर, Seema is not well. She went to visit the doctor.
That means here, Seema is the name of a girl. So here in place of Seema, she is used. So she is also the example of personal pronoun. Now the next example, the computer is new. It is a gift from mother. So here, computer is the name of the object. So in place of computer, it also used here. So it is the example, it also the example of personal pronoun. So my dear student, here he, here she and it are used in place of Seema and computer respectively. That means you look here, यहां पर सी और इट जो है वो सीमा और कंप्यूटर के जगह पे यूज किया गया है. हैंस सी एंड इट आर द एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर three persons. That means personal pronoun denotes speaker, listener and the third person. So you look here, first person include I, we, second person include you, third person include he, she, it, they. For example, I told you about Rohan. मैंने आपको रोहन के बारे में बताया था. That means यहां पर I is the example of, I is the example of first person, you is the example of second person, and showed you that the red car was his, जो कि लाल वाला गाड़ी जो था वो उसका था. His is the example of third person. So you look here I is the first person pronoun it stands for the speaker. यहां पर I जो है वो first person pronoun है और वो speaker के लिए use हो रहा है. You is the second person pronoun है और it stands for the person spoken to and his. His is the example of third person pronoun. It indicates the person spoken about. That means I, you, his are the examples of the personal pronoun. That means I is the first person, you is the second person, and his is the
थर्ड पर्सन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ आपके लिए होमवर्क दिया गया है जो कि आपको घर में प्रैक्टिस करना है, तो आप ध्यान पूर्वक कीजिएगा। चेंज द प्रोनाउंस इनटू देयर प्लूरल फॉर्म्स। इस सेंटेंसेस में कुछ प्रोनाउंस होगा जिस जो सिंगुलर में है उसको आपको प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, प्लीज यूज द गिवन सेट्स दैट आर हिज। दैट मींस पहला क्वेश्चन आपके लिए कर दिया गया है, द फर्स्ट क्वेश्चन हैज बीन डन फॉर यू। प्लीज यूज द गिवन सेट्स दैट आर देयर्स। हिज जो है सिंगुलर है और हिज का प्लूरल फॉर्म होगा देयर्स। इसी तरह आपको और भी जो सेंटेंसेस यहां पे दिया गया है, यहां पे आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और उसको चेंज करना है। रोहित गेव मी सम फ्लावर्स। 3. सेंड द लेटर्स टू हिम। 4. द टीचर वाज टॉकिंग टू मी। 5th क्वेश्चन, ही ब्रॉट मेनी फ्लावर्स फॉर मी। 6. मे आई कम इन। 7. मदर हैज आस्क्ड यू टू विजिट द स्कूल। तो यहां पे स्टूडेंट आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यू का प्लूरल फॉर्म बहुवचन यू ही होता है, मतलब यू जो है यू ही रहेगा, यू का चेंज नहीं होता है। सो ये है आपका होमवर्क्स एंड इन माय नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू द अदर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। थैंक यू।